हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा चुके हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे ये लेते हैं बेटा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक। ये क्या है? डायगोनल्स। जो ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है, लॉन्गर साइड वो 30 मीटर मोर है। किससे मोर है? दोनों शॉर्टर साइड से। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लीजिए, लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू एक्स मीटर। ये हमने एक्स लेट कर ली। सिंस लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर। सो डायगोनल इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर। ये एक्स प्लस 30 और ये एक्स प्लस 60। अब देखिए बेटा, ये रेक्टेंगल है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सो यहाँ क्या बनी है? राइट एंगल ट्रायंगल बनी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीटी, पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 90 डिग्री की अपोजिट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 60 स्केयर, यानी कि एच स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। P क्या है बेटा? यहाँ x, यानी कि x का स्केयर। अभी x प्लस 60 का होल स्केयर इसको हम सोल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी उसका यूज हो जाएगा यहाँ, x स्केयर। 60 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 हो जाएगा। प्लस 2ab से क्या आ जाएगा? 120x इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्केयर भी इसी आइडेंटिटी से सोल्व कर लेंगे। एक्स स्केयर प्लस 30 का स्केयर क्या आ जाएगा? 900 और प्लस 2ab से आ जाएगा 60x और ये एक्स स्केयर एज इट इज। इस एक्स स्केयर से ये एक्स स्केयर क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में, साइन सेम है, साइड अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया। इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो राइट साइड को मैं पहले लिख लेते हैं। राइट साइड को एक्स स्केयर प्लस 60x प्लस 900 और अब ये जो है माइनस 3600 और माइनस 120x इक्वल टू जीरो एक्स की है। प्लस 60x और माइनस 120x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 60x प्लस 900 और माइनस 3600, तो क्या बचेगा? नेगेटिव बचेगा, माइनस क्या आ जाएगा? 2700 इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। जैसे मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? माइनस 60x, तो हम इस मिडिल टर्म के फैक्टर्स करें कि सम तो यही आए, सम माइनस 60 आए और मल्टीप्लाई माइनस 2700 आए। सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, इसलिए हमने एक फैक्टर्स पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक फैक्टर्स नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव वाला जो लार्जर हो जाएगा, पॉजिटिव वाला स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स के है माइनस 90x और प्लस 30x। माइनस 90x प्लस 30x ऐड करेंगे तो माइनस 60x आएगा। मल्टीप्लाई देखिए, 9 3 27 और 20 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 2700 आ जाएगी। ऐसा बेटा, अगर आपको फैक्टर्स
ना समझ आए या ज़्यादा टाइम लगता हो फैक्टर्स में, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब ये थर्ड टर्म एज इट इज इक्वल टू जीरो। फिर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 90, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 30, तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 30 इंटू में x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 30 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 90 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 30 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 90 आ जाएगी। जो माइनस 30 है इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो साइड है कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव तो होगी ही नहीं। सो एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 90, तो हमारी शॉर्ट साइड क्या हो जाएगी ये 90 मीटर हो जाएगी। अब ये 90 मीटर 90 प्लस 30 ये क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 120 मीटर, और जो डायगोनल हमारा वो हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर, ये साइड्स आ गई। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्केयर का डिफरेंस गिवन है 180। द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्केयर है वो लार्जर का 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, दोनों नंबर्स को ही हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए बेटा, लेट लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू वाई, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहा बेटा आगे, द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा वाई, वाई स्केयर, स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि वाई स्केयर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है एक्स, 8 टाइम्स यानी कि 8x। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए बेटा, टू अननोन है, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है x और y की, और ये टू इक्वेशन हमारे पास है, तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, ये जो वाई स्केयर की वैल्यू है 8x, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं फर्स्ट के अंदर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वाई स्केयर की वैल्यू क्या है 8x, और ये माइनस 180 इक्वल टू जीरो। 180 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे एक्स स्क्वायर, अब मिडिल टर्म के फैक्टर्स कर लेंगे, सम माइनस 8x आए और प्रोडक्ट क्या है माइनस 180। देखो सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव, तभी तो सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगी। ध्यान रखना कि सम नेगेटिव लेके आना, इसलिए नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव वाला जो फैक्टर होगा उसको हम बढ़ा लेंगे और पॉजिटिव वाले को छोटा लेंगे। तो जैसे यहाँ फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस 18x प्लस 10x, ऐड करेंगे माइनस 18 और प्लस 10 को, तो माइनस 80 आएगा सम, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस 180x के आ जाएगी। और इससे फिर आगे हम सोल्व कर ही सकते हो बेटा आगे, तो तुम जैसे फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे और फिर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, वहाँ से फिर y की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए जैसे x की वैल्यू यहाँ से, मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ से 18 आई, ठीक है, तो 18 यहाँ पुट कर देंगे, तो वाई स्केयर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18 यानी कि वाई स्केयर इक्वल टू 144। तो ये जो स्केयर है उधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट, 144 का रूट क्या आ जाएगा 12। तो ऐसे x y की वैल्यू आ गई,
तो यानी कि लार्जर और स्मॉलर नंबर आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, वेरिएंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे तो ये एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, एग्जाम जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 4.1 में कर भी चुके हैं पहले। सेकंड सम का फोर्थ पार्ट था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। बेटा ऐसा बोला गया, अगर स्पीड को हम मोर करेंगे, ज्यादा करेंगे स्पीड, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो टाइम क्या है, 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा, डिस्टेंस गिवन है और टाइम के ऊपर कंडीशन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर करेंगे तो टाइम 1 आवर लेस लगेगा, और वो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं स्पीड को, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड लेट कर ली। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस है, स्पीड को हमने लेट कर लिया, टाइम हमने निकालना है। तो तीनों के अंदर रिलेशन सभी को पता ही है आपको, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होते हैं। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होती है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, 360 बाय एक्स आवर्स, ये टाइम हो गया। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। जब स्पीड मोर हो जाएगी तब टाइम क्या लगेगा, टाइम का फॉर्मूला तो वही रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां स्पीड x थी, यहां स्पीड क्या है, x प्लस 5, ये टाइम लगेगा। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब यहां स्पीड ज्यादा है, जहां स्पीड ज्यादा होगी तो वो टाइम कम होगा, यानी कि ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा है। तो ये टाइम ज्यादा है किससे, इससे, और कितना ज्यादा है, 1 आवर, क्योंकि ये 1 आवर लेस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 360 बाय एक्स, ज्यादा में से कम को क्या कर लेंगे, माइनस, और किसके इक्वल रख लेंगे, 1 के इक्वल रख लेंगे। अब जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स किए थे, जैसे यह एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, और सोल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर इसको ट्राई करना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो जिन बच्चों को ये वीडियो हमारी पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर, उसको सब्सक्राइब करना। और फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।